सजना शाग बनवाप जहा जहाँ सब सामग्री दरकार मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण मानक मिल जा शाग भजिया बनवाप मुझे सजना शाग कखारु आलु गोटे मीडियम साइज़ रो प्याज आठ बड़ी रसुण सुखिला लंका हाफ कप क्षीर पंचफुटन लुण स्वाद अनुसार आउ रिफाइंड तेल तो चलत स्टार्ट करें शाग भजा तो ये मु कड़ई रे तेल गरम कर आग बड़ी गुड़ाक भाजी नेबी शगपाई तो हेलो एवरीवन सुश्री आपण मानक स्वागत करुच्छे मोर चैनल को तो आपण मैंने एमती मत भल पाइबा दे आसतु आउ मो रेसीपी गुड़ाक ट्राए कर मत निश्चय कमेंट सेक्शन में जनइबे जे केमी आपन को लगुच तो ये आमर बड़ी भजा हो जाइए तो बड़ी गुड़ाक काढ़ी सुखिला लंका दुईट पकई से पंचफुटन पकई भलसे फुटी आसवाक दे तो ये फुटण आमर भलसे फुटी आसला तो ये काटि रखी पियाज को मुझे पकई भलसे भाजी नेबी एबे काटी रखी पर पकईबी आग कखारु को पकईली तापर एठी आलू आड करिली आउ भलसे भाजी नेबी आउ कखारु आलू भाजियापी जी लुण दरकार मो स्वाद अनुसार से लुण ही आड करी आ शाग पछे शाग पड़ सारापर से लुण आड करी आगे ढाकुण दे आपको तीन मिनिट रु चार मिनिट सीझापी छाड़देवी तो ये भलसे आम चार मिनिट पर देखा ये सब पर भल भाव सीझी सारा तो ये रखी सजना शाग गुड़ाक से पकई ये शाग को सब भल से पकई सारापर रखी हाफ कप क्षीर को पकईबी तो यापर रखी बड़ी को पकईबी आते स्वाद अनुसार लुण पकई ताको टिके भल से ढाकुणी दे दुई मिनिट टिके स्मूथ हाँ छाड़ी देबी आउ दुई मिनिट पर ये देखते शाग भजिया पूरा स्मूथ हो जाए पूरा लास्ट रे आपरे रसुण पकई भलसे घाटी तो सर्व करेंगे रसुण स्मेलटा बहुत बढ़िया आसब तो क्षीर पकेवा द्वारा शाग भजाटा बहुत नरम होता है तो यहाँ को निश्चय ट्राए करेंगे आम कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइबे मो सजना शाग भजा आपण मानक केमी लगला यहाँ को स्पेशल आप पखाल सांगे खाइबे तो आर टेस्ट डबल हो जाए तो आपण मैंने ट्राए करेंगे आँ आसबी गोटे नुआ दिन गोटे नुआ रेसीपी सहित आउ पूरा संपूर्ण ओडियाणी घर रेसीपी तो मुझे रखुची नमस्कार।